हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रघु मेडिकल कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर, कम्युनिटी मेडिसिन प्लेलिस्ट के अंदर आज हम देखेंगे व्हाट इज आर्श, जिसको बोला जाता है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ, और स्नेहा क्लिनिक के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ के हेल्थ आर्श और स्नेहा क्लिनिक किस वजह से फॉर्म होता है? एक क्लिनिक रहता है, ओके, कम्युनिटी बेस्ड क्लिनिक रहता है, जहाँ पे एडोलेसेंट्स को, मतलब टीनेज 18 प्लस होने के जो एडल्ट्स रहते हैं, 18 प्लस होने के बाद इंडिविजुअल्स जो भी रहते हैं, उनको काउंसलिंग किया जाता है। इवन चाइल्ड केयर, ये फेज टू चाइल्ड केयर, चाइल्ड हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव फेज के सेकेंड फेज में आता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे एडोलेसेंट को काउंसलिंग किया जाता है, उनको एजुकेशन दिया जाता है, एजुकेशन अबाउट द सेक्सुअल हेल्थ और STI के बारे में एजुकेशन दिया जाता है। और दूसरी बात जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल से होने वाले प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग में होने वाले जो भी प्रॉब्लम्स है उनको टैकल कैसे करना है, तो वुमन्स को यहाँ पे एजुकेट किया जाता है। तो एक क्लिनिक के अंदर, तो यहाँ पे स्नेहा क्लिनिक का मेन मुद्दा क्या है, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव एज वेल एज काउंसलिंग सर्विसेज। ओके, क्यूरेटिव, प्रोमोटिव और प्रिवेंटिव एंड काउंसलिंग सर्विसेज जो है स्नेहा क्लिनिक प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? एक एडोलेसेंट्स को। एडोलेसेंट्स किसको बोलेंगे? 18 प्लस एज को जो रहते हैं इंडिविजुअल, उसको एडोलेसेंट बोलेंगे। और रही सर्विसेज की बात, यहाँ पे सब स्नेहा क्लिनिक क्या कौन से सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि मल्टीविटामिन टैबलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, या फिर अल्बेंडाजोल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्ट्रीब्यूशन करना, ओके, और सैनिटरी नैपकिन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना जो है इनका मेन मुद्दा रहता है। तो इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन, दूसरे फंक्शंस क्या रहेंगे, काउंसलिंग करना, चलो भाई STI से होने वाले प्रॉब्लम्स और STI से के साथ कैसे जीना, एक मोटिवेशन देने के लिए एक काउंसलिंग सेशन भी स्नेहा क्लिनिक में कंडक्ट किया जाता है। तो दूसरी बात, जैसे कि जेंडर वायलेंस, जेंडर के ऊपर जो वायलेंस होता है, थर्ड जेंडर पे वायलेंस या फिर वुमेंस के ऊपर वायलेंस, ओके, इनको लिंक के लिए काउंसलिंग करना, उनको फिर से प्रोत्साहन करना और क्राइसिस को हैंडल करना जो है यहाँ स्नेहा क्लिनिक में होता रहता है। तो स्नेहा क्लिनिक जो है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड सर्विस प्रोवाइडिंग सेफ सेक्सुअल बिहेवियर इंक्लूडिंग द अब्सटिनेंस, लेट एज एट द ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल कोर्स, प्रिवेंटिंग अनवांटेड एंड अर्ली प्रेगनेंसी एंड प्रिवेंटिंग STIs इंक्लूडिंग HIV/AIDS। ओके, तो मेन मुद्दा ही HIV/AIDS हुआ, या फिर एडोलेसेंट्स के जेंडर ओरिएंटेशन, या फिर बोलो कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में उनका मुद्दा हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स एडोलेसेंट फेस करते हैं स्पेशली इन द सेक्सुअल लाइफ, तो इन सबको टैकल करने के लिए स्नेहा क्लिनिक नाम की क्लिनिक, कम्युनिटी क्लिनिक जो है एक एस्टैब्लिश किया जाता है। ओके, यूजुअली इट इज रन बाय द NGOs, तो NGOs ये जो है रन करते रहते हैं। तो ट्रीटमेंट देते हैं वहाँ पे, यस, कम्युनिटी बेस्ड क्लिनिक के अंदर एक कम्युनिटी बेस्ड एक डॉक्टर रहता है, तो जहाँ पे वो ट्रीटमेंट भी किया जाता है, जैसे कि सीवियर माल न्यूट्रिशन हुआ तो उनको क्या सप्लीमेंटेशन देंगे, क्या टैबलेट्स देंगे, ये सब बताया जाता है। तो STI का ड्रग रेजिमेंट्स जो भी है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ओके, और कहाँ पे रहता है ये सब क्लिनिक्स, ये स्नेहा क्लिनिक्स जो है PHC लेवल पे भी रहता है, कम्युनिटी लेवल पे भी रहता है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में रहते हैं, और दूसरे सब सेंटर्स में भी, सब सेंटर हेल्थ केयर सेंटर्स में भी आपको स्नेहा क्लिनिक्स मिल जाएंगे। ओके, तो ट्रीटमेंट की बात करें तो सेक्सुअल कंसर्न ट्रीटमेंट्स रहेंगे वहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्डम्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नैपकिन्स, ओके, सैनिटरी नैपकिन जिसको बोलते हैं, और जहाँ कहीं पे भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, डायबिटीज के बारे में भी स्नेहा क्लिनिक्स के अंदर अवेयरनेस दिया जाता है, वहाँ पे काउंसलिंग किया जाता है उसके बारे में, और कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में भी अवेयरनेस, एजुकेशन, एक प्रिवेंशन मोड को प्रमोट किया जाता है स्नेहा क्लिनिक्स के अंदर। तो स्नेहा क्लिनिक्स इज ए काइंड ऑफ कम्युनिटी बेस्ड क्लिनिक, ओके, जस्ट लाइक एनजीओ जो कि प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रोमोटिव मेजर्स और क्यूरेटिव मेजर्स को हैंडल करता है और काउंसलिंग सर्विसेज देता है फॉर द पीपल who are major at the major risk of STIs, especially sexually transmitted disease, and for the adolescent, okay, for the adolescent, especially it concerns about the adolescent. यहाँ पे workers mainly जो है females रहते हैं, female health medical officer रहते हैं for counseling the girls, ladies को counseling करने के लिए, और sub center के में भी co-workers जो है, उनके co-workers जो है ladies ही usually prefer किया जाता है यहाँ पे। तो लोकेशन कहाँ पे मिलेंगे, टारगेटेड डिस्ट्रिक्ट्स पर्टिकुलरली जो है यहाँ पे स्नेहा क्लिनिक्स टारगेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में यूजुअली पाया जाता है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जैसे कि मोर देन 60% जहाँ पे गर्ल्स 3 एज के भीतर ही उनका मैरिज किया जाता है, जिसको बोलते हैं चाइल्ड मैरिज, और वहाँ पे प्रेगनेंट हो जाते हैं और उनका हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज अक्सर होता है। तो जहाँ पे जो एरिया पे या फिर जो डिस्ट्रिक्ट में द प्रीवेलेंस ऑफ अर्ली मैरिज, ओके, 18 से भीतर ही मैरिज कर देने का प्रीवेलेंस यहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे स्नेहा क्लिनिक को यूजुअली ज़्यादा
ज्यादा जो है सपोर्ट मिलता है और वहाँ पे जो है स्नेहा क्लिनिक एस्टैब्लिश उस तरीके के जगह के ऊपर ही स्नेहा क्लिनिक को एस्टैब्लिश किया जाता है। ओके सो कर्नाटक के अंदर यहाँ अर्श जो एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक को स्नेहा क्लिनिक कहा जाता है और दूसरी डिस्ट्रिक्ट से मैं सेम एडोलेसेंट सेक्सुअल हेल्थ अर्श का जो सबसे क्लिनिक रहता है तो उसको मैत्री क्लिनिक भी कहा जाता है। सो यहाँ पे जो है वीकली जो है काउंसलिंग वीकली बेसिस काउंसलिंग या फिर वीकली बेसिस ट्रीटमेंट जो है मतलब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। तो काउंसलिंग ट्रीटमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन हुए या फिर सैनिटरी नैपकिन हुआ ओके और एंटीबायोटिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ एल्बेंडाजोल एजिथ्रोमाइसिन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो जो भी इन्फेक्टेड है सब सेंटर में जो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर को रीच नहीं कर पाते तो उनके लिए हेल्थ के लिए कम्युनिटी बेस्ड एक क्लिनिक रहता है जो रहता है स्नेहा क्लिनिक। So it was all about the Sneha Clinic. If you really like my channel video and you really like my explanation lecture, agar aapko acha laga ho, to please like and subscribe button zarur dabayega. So till then, take care. Goodbye.